इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके सब्सक्राइब करना, और नहीं इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉरन फॉरन क्यों करना एग्जैक्टली कमेंट में बताना लगा कैसा। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे मेरी फील्ड के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरी फील्ड के बारे में सारी बातें आते हैं जो कि फील्ड के अकॉर्डिंग क्लियर करनी है मैंने, जिसमें सबसे पहले आता है कि मेरी फील्ड का नाम क्या है। सबसे पहले तो मैं वो बताती हूँ, मेडिकल इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। मैं इसको मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। अब जो सवाल आता है वो ये है कि आपकी डिग्री का ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन इसका है 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स में आपकी ये डिग्री कंप्लीट होती है। बैचलर्स की डिग्री है बेसिकली, ठीक है। फिर इसके अलावा सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं, सब्जेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन पढ़ोगे, सर्जरी पढ़ोगे, एकोकार्डियोग्राफी पढ़ोगे, MRI पढ़ोगे, सिटी स्कैन पढ़ोगे, अल्ट्रासाउंड पढ़ोगे, जो सारी इमेजिंग मोडेलिटीज़ हैं वो सारी आप इसमें कवर करोगे अलग अलग से, ताकि आपको उन पे पूरी कमांड हो। रेडियोलॉजी भी पढ़ोगे। फिर एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने ये पूछा हुआ था कि इस एग्जैक्टली आपका काम क्या होता है, आपने करना क्या होता है। तो करना ये होता है कि इमेजिंग करनी है। तो इमेजिंग का मतलब है आपने बेस्ट इमेज कैप्चर करनी है। आपके सामने पूरा कंट्रोल पैनल होगा, आपने उसको आपके सामने एक पूरा कंट्रोल पैनल होगा, आपने उस कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करना है। उसमें सारे सारी नोबोलॉजीज लगी होंगी, उनको यूज़ करना है। नोबोलॉजीज जो होती हैं वो मतलब आपके जो बटन्स होते हैं कीपैड पे जैसे। अब ये जो कंट्रोल पैनल है ये भी डिफर करता है किस तरह। अब अगर आप सिटी स्कैन वाली मशीन के सामने बैठे हो तो उसका कंट्रोल पैनल डिफरेंट होगा। अगर आप MRI के सामने बैठे हो तो उसका कंट्रोल पैनल डिफरेंट होगा। तो उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसकी पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स कौन सी आपने यूज़ करनी है, किस पेशेंट पे किस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है, ये सारा कुछ आपका काम है। टेक्नोलॉजी हैंडल करना आपका काम है। पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है कि हाँ इस पेशेंट पे मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है, इस वाले पेशेंट पे ये वाली टेक्निक यूज़ करूंगी, ठीक है। तो ये सारा काम जो है, ये सारी इवैल्यूएशन, ये आपने डिसीजन जो है ये आपने लेने होते हैं। और आपने देखना होता है कि सारी जो इमेजेस आप कैप्चर कर रहे हो वो बिल्कुल सही हो, ताकि जब उसको बाद में फर्दर इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाए रेडियोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, तो वो उसको उसके अंदर कोई पैथोलॉजी है तो वो उसको अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर सकें कि हाँ ये है इसमें प्रॉब्लम। इमेज बड़ी आपको क्लियर कैप्चर करनी है। बेसिकली आपने इमेज कैप्चर करनी है। उस इमेज को कैप्चर करने के लिए आपको सारी कमांड्स होनी चाहिए, एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी पे, पैथोलॉजी पे, सर्जरी पे, मेडिसिन पे, इन सारे सब्जेक्ट्स पे। इसी तरह अपनी फील्ड के सब्जेक्ट्स पे, जैसे सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का आपको पता होना चाहिए। पेशेंट प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट किस तरह आ रहा है, आपने पेशेंट को किस तरह से पोजीशनिंग करनी है, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने आपकी सारी नोबोलॉजीज होंगी, उन सबको आपने यूज़ करते हुए बेस्ट इमेज कैप्चर करनी है। और आपकी इमेज का जो गोल है वो ये होना चाहिए कि ये जो इमेज मैं कैप्चर कर रहा हूँ इसमें पैथोलॉजी अगर है तो वो एग्जैक्टली क्लियरली पता चले जब रेडियोलॉजिस्ट के पास ये फर्दर इवैल्यूएशन के लिए जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज कैप्चर की है, अब इस इमेज ने मेरे बाद जाना है एक रेडियोलॉजिस्ट के पास और उस रेडियोलॉजिस्ट ने इसमें देखना है कि कहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है, कहाँ पे कोई पैथोलॉजी है। तो मैंने ये मेक श्योर करना है कि मेरी इमेज इतनी क्लियर हो, इतनी इतनी एविडेंट हो कि वो सही से बता रही हो कि इसमें ये वाली पैथोलॉजी प्रेजेंट है, ताकि रेडियोलॉजिस्ट ईजिली उसको इवेल्युएट कर सके। उसके अलावा ये क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली आपकी डिजिग्नेशन क्या होती है। डिजिग्नेशन आपकी कभी भी कन्फर्म नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, या अगर हॉस्पिटल की ना भी बात करो, आप ओवरऑल बात करो, किसी भी आप फील्ड में, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, तो हर जगह पर डिजिग्नेशन डिफर करती है। कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म, डिफरेंट डिफर करती है। तो इसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल्स की भी बात करो, किसी हॉस्पिटल में आपका नाम रेडियोग्राफर होगा, आपका टाइटल रेडियोग्राफर होगा, किसी में आपका सोनोलॉजिस्ट होगा, सोनोग्राफर होगा, किसी में आपका होगा रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, किसी में आपका होगा मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। इस तरह से ये सारे जो हैं ये डिफर करते हैं एक दूसरे से।
इनमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बस टाइटल्स का डिफरेंस है जो कि आपकी कंपनी या आपका हॉस्पिटल जो है वो डिसाइड करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि आपको ज्यादा जो है वो थ्योरी जो है वो आनी चाहिए या प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो थ्योरी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करके देखते हो तो इट्स समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी। वो आप उसको प्रैक्टिकली करके देखते हो तो वो इतना आसान और इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आपको आप दिल करता है कि करते जाओ। वो टेक्नोलॉजी को आपने हैंडल करना है तो वो टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बेसिकली आप बीच में लाए कर रहे हो इंजीनियरिंग और मेडिसिन के बीच में, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के बीच में हो आप, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहे हो लेकिन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, सारी मेडिसिन से रिलेटेड है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, इसका स्कोप क्या है। स्कोप किसी भी चीज़ का नहीं होता, ठीक है, स्कोप आपने खुद बनाना होता है, कभी भी किसी चीज़ का नहीं होता। बेसिक चीज़ ये होती है कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितना उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हो, कितना बाहर निकल रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए या आपको काम मिल जाए, तो उस सब के लिए आपका हार्ड वर्किंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई में हार्ड वर्किंग, इसमें भी हार्ड वर्किंग कि आपने जॉब सीख करने के लिए जो स्ट्रगल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत मैटर करता है। तो इसके अलावा आपके स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता, फिर स्कोप ही स्कोप है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी था कि फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दें, फी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब फी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अब वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो जाहिर सी बात है उसके जो ड्यूज होंगे, उसके चार्जेस होंगे वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आपकी मर्ज़ी है जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है वो आप कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट करते हो तो उसमें भी आपके पास चॉइसेस हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है फीस का, वो अपने अकॉर्डिंगली लेते हैं, और गवर्नमेंट का तो एक वो फिक्स्ड होता है और वो वही होता है। मेरा ख्याल है यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करना, वहाँ पर मैं काफ़ी सारी बातें बताती रहती हूँ, ठीक है। बाय बाय। यूनिवर्सिटी तो इतना अच्छा और इतना मतलब वो इतना टूइंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, सब्सक्राइब नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो यूट्यूब पे करना है। बाय।